Apple का का का। का का कितना है है है? है बच्चों? बच्चों? वो और इसमें कितने का profit है? 15 का. तो तो का का क्या मतलब होता 15 को पहले ratio में change कर दो। तो इसको आप लिख सकते हो क्या थ्री इंटू फाइव परसेंट और फाइव परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1 upon 20. That imply, अगर 20 रुपीस cost price है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो ट्वेंटी थ्री तो यहां से पता चल गया किस एप्पल का जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चों वो कितना होगा होगा सिमिलरली अगर आप ऑरेंज की बात करो तो ऑरेंज में ट्वेंटी और आपको सेलिंग प्राइस ऑरेंज का गिवन गिवन है है कितना वो है बच्चे टेन तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सिंपल सा है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा एट तभी तो वन बाई फोर का प्रॉफिट होगा फोर में एक का प्रॉफिट है तो टोटल एट में टू का प्रॉफिट होगा एज सिंपल एज दैट नाउ आपको एप्पल और ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता चल गया नाउ टोटल सेलिंग प्राइस कितना है बच्चो? है बच्चों वो का तो रानी ने यहाँ पे कुछ कुछ एप्पल सेल सेल किया हो और कुछ सेल किया होगा होगा और ऑरेंजेस ये क्लियर है तो जो एप्पल से अर्निंग होगा वो हमेशा किसके मल्टीपल में होगा वो हमेशा ट्वेंटी थ्री के मल्टीपल में होगा और जो ऑरेंज से अर्निंग आएगा वो हमेशा टेन के मल्टीपल में होगा तो इस नंबर पे जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अगर जो दिमाग लगाना है वो इसी पार्ट में लगाना है सबसे नंबर देखो जो ट्वेंटी थ्री के मल्टीपल में होगा वो कौन सा होगा वो टू हो थर्टी सिंपली ट्वेंटी थ्री लेकिन अगर आप सिक्स टू थर्टी करोगे तो जो नंबर आएगा ना उसमें यूनिट डिजिट होगा जो टेन के मल्टीपल में नहीं है तो यहां से आप अगर फर्दर ट्वेंटी थ्री एड कर दोगे जो साफ साफ आपको दिख रहा है तो ये वैल्यू कितना टू फिफ्टी थ्री अगर ये टू फिफ्टी थ्री इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगा कितना फोर हंड्रेड में तो उसके इसमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस ज्यादा हो जाएगा तो आपको फिर से ट्वेंटी थ्री के मल्टीपल में सेलिंग प्राइस को डिवाइड करना है तो इसमें आप क्या करो फर्दर टू थर्टी एड कर दो उसके अलावा का को कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जो यूनिट डिजिट जीरो दे तो जो टोटल एप्पल से मिलने वाला सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा बच्चों वो होगा टू फिफ्टी थ्री एंड प्लस टू थर्टी थ्री आई होप ये समझ में आ रहा है तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 483 मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं जो एप्पल का सेलिंग प्राइस होगा वो 23 के मल्टीपल में होगा तो सबसे फर्स्ट ऑबवियस नंबर मिला मुझे 230 तो अगर हम 653 में से 230 को माइनस करेंगे बच्चे तो जो सेलिंग प्राइस ऑरेंज के लिए बचेगा उसमें यूनिट डिजिट 3 होगा जो 10 के मल्टीपल में कभी हो ही नहीं सकता तो आपने एक फर्दर और नंबर ऐड किया 23 तब जाकर आपको नंबर मिला 253 अभी ये नंबर जो बाकी बचा है वो ऑरेंज के मल्टीपल में हो सकता है ये क्लियर है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उस केस में जो नंबर ऑफ एप्पल्स है वो ऑरेंजेस से कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे फर्दर नंबर ऑफ एप्पल को बढ़ाओगे तो उसके लिए फिर आपको ट्वेंटी के टेन के मल्टीपल में ही रखना होगा ये क्लियर है तो अगर आप फोर एप्पल का सेलिंग प्राइस मिला है तो ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा बच्चों वो सिंपली मिल जाएगा सिक्स फिफ्टी थ्री माइनस फोर एट्टी थ्री करेक्ट है तो यह वैल्यू कितना जाएगा? यहरोवेंटी जाएगा रुपीज आपको किससे मिला होगा ऑरेंज से तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना हो जाएगा बच्चों उसके इसमें सिंपली हंड्रेड एंड सेवेंटी और पर ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस था टेन तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहां से मिल जाएगा बच्चों कितना वो मिल जाएगा सेवनटीन उसके इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स कितना होगा सिंपली फोर एटी थ्री इसको डिवाइड करोगे ट्वेंटी थ्री से तो ट्वेंटी थ्री इंटू टू तो कितना होगा फोर्टी सिक्स और टू तो ये ट्वेंटी एप्पल मिल जाएगा तो अब आपको नंबर ऑफ एप्पल्स मिल गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिल गया तो आप सेलिंग प्राइस इजली निकाल सकते हो टोटल एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी तो ये कितना फोर ट्वेंटी और टोटल ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा तो तो जाएगा ये टोटल कितना था वो था सिक्स फिफ्टी थ्री तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप सिंपली निकालोगे जो दोनों का डिफरेंस है तो फाइव फिफ्टी सिक्स और सिक्स फिफ्टी थ्री है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा नाइनटी सेवन तो 97 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 556 और इनटू क्या लिखोगे बच्चे 100 तो ये वैल्यू कितना आएगा ये आएगा बच्चों 9700 और डिवाइडेड बाय 556 अब देखो ये वैल्यू सीधे आप स्टेटर पे आंसर बोल सकते हो कि आंसर होगा 17.4 ये 18 के आसपास है अगर आप 18 से 500 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9000 आएगा और 18 में 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 तो 9900 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन ये सेवन 9700 है तो स्टेट में आप आंसर बोल सकते हो कि 18 से कम होगा तो ऑप्शन क्या होगा 17.4 सो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स